जाने मकर संक्रांति त्योहार और पतंग का महत्व, क्या है माझा व पतंग के बिजनेस का हाल 2021 में, बस एक नजर में। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारत में आस्था और जोश के साथ मनाया जाता है। यूं तो हर पर्व पर धार्मिक परंपराएं होती हैं, परंतु मकर संक्रांति पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे और बूढ़े सभी बड़ी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते हैं। कई राज्यों में इस त्योहार को हर्षोल्लास वाले उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति त्योहार को हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको मनाने का तरीका भी अलग होता है। मकर संक्रांति को लोहड़ी भी कहते हैं। लोहड़ी के अगले दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है मकर संक्रांति खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की आरंभ माना जाता है। इस दिन से ही घरों में विवाह, मुंडन, नामकरण आदि शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा करने के बाद चावल और दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दान करने की परंपरा है। राजस्थान और गुजरात में इस दिन को उत्तरायण त्योहार के रूप में जाना जाता है। इस दिन बड़ी धूमधाम से पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जानते हैं, जिसे किसानों का महापर्व कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस पर्व में गच्चक और तिल के लड्डू खाए जाते हैं और गिफ्ट्स और दान दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे हुगली नदी पर गंगा सागर के किनारे मेले में आयोजित किया जाता है। असम में इसे भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। यूं तो मकर संक्रांति में सूर्य पूजा का सबसे अधिक महत्व है, साथ ही इसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है, लेकिन हर जगह सूर्य की पूजा अवश्य की जाती है। मकर संक्रांति में तिल, गुड़, गच्चक, खिचड़ी आदि खाने का भी अलग महत्व है, जिसे लोग अपने अपने घरों में बड़े उत्साह से खाते हैं और खिलाते हैं। मकर संक्रांति में पूजा पाठ और खाने के अलावा जो सबसे चर्चित विषय है वो है पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति में बिना पतंग उड़ाए इस त्योहार में रौनक नहीं आती। इसे भारत में अलग अलग तरह से भले ही मनाया जाए, लेकिन पतंग उड़ाना अपने आप में रोचक है। हालांकि संक्रांति में पतंग उड़ाना कोई धार्मिक पक्ष नहीं है, धार्मिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं है। मनोरंजन हेतु हमारे पूर्वजों ने इसे संक्रांति के साथ जोड़ दिया। इसे जोड़ने के कई कारण हैं। पतंग उड़ाने को अगर हम ऐसे देखें कि मकर संक्रांति में पतंग क्यों उड़ाई जाती है, इसकी वजह क्या है, तो आप कई तरह के आश्चर्यचकित तथ्य पाएंगे, जैसे कि इससे सेहत अच्छी रहती है। अमूमन ठंड के मौसम में लोग अपने अपने घरों में रजाई और कंबल के अंदर रहते हैं, धूप अधिक लगती नहीं, जिससे सेहत खराब होने लगती है। ऐसे में अगर कुछ देर लोग अपनी अपनी छतों पर या आंगन में धूप में रहेंगे तो उनकी सेहत अच्छी रहेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तरायण में सूर्य की गर्मी में ठंड के कारण होने वाले रोगों को नष्ट करने के गुण होते हैं। सूर्य की किरणों औषधि का काम करती हैं, इसलिए उत्तरायण में पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू की गई, जिससे कुछ देर के लिए लोग रजाई कंबल छोड़ धूप में आए और मनोरंजन कर सकें। भारत में संक्रांति का उल्लास लोगों में ऐसा होता है कि गुजरात में लोग एक महीने पहले से अपने घरों में पतंग को बनाना शुरू कर देते हैं। सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली में भी इस त्योहार को काफी जोरों शोरों से मनाया जाता है। आपको बता दें, इस दिन गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जहां पर अलग अलग देशों से भी लोग यहां आकर भाग लेते हैं। पतंग से जुड़ी कुछ मान्यताएं और हर्षोल्लास का प्रतीक है पतंग। ऐसा नहीं है कि पतंग सिर्फ मकर संक्रांति में ही उड़ाई जाती है। यदि बात की जाए अपनी खुशी जाहिर करने की, तो कई लोग अलग अलग त्योहार में अलग अलग तरीके से पतंग उड़ाते हैं, जैसे कि दिल्ली में 15 अगस्त को लोग अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हर साल हजारों की तादाद में पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि पतंग उड़ाने का प्रतीक आजादी है। जब 1927 में साइमन गो बैक का नारा आया था, उस वक्त देशभक्तों ने पतंग पर साइमन गो बैक लिखकर उसे आसमान में उड़ाया था, और उसी दिन से 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा बन गई। दिल्ली में फ्लाइंग फेस्टिवल होता है, जिससे अलग अलग राज्यों से लोग हिस्सा लेते हैं। इस फेस्टिवल में दो तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, पहला फाइटर काइट कॉम्पिटिशन और दूसरा सोबर डिस्प्ले फ्लाइंग कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही पतंग के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, बल्कि अन्य देशों में भी पतंग के साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। इतिहासकारों की माने तो दुनिया की पहली पतंग एक चीनी दार्शनिक मोदी ने बनाई थी। चीन से होते हुए पतंगबाजी जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, भारत, अरब, नॉर्थ अफ्रीका तक पहुंची। भारत में तो पतंग संस्कृति का हिस्सा बन गई। पतंग से जुड़ी अन्य देशों की मान्यताएं।
चीन में किंग राजवंश के शासन के दौरान में पतंग उड़ाते समय उसकी डोर हाथ से छूटने पर अपशगुन माना जाता था। थाईलैंड में अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाने के लिए लोग बारिश के दिनों में पतंग उड़ाते हैं। कोरिया में पतंगों पर बच्चों के नाम और उनकी जन्म तिथि लिखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पतंग के साथ बच्चों का दुर्भाग्य उड़ जाता है। कोरोना और लॉकडाउन ने फीका किया पतंग का व्यापार। हर बार की तरह इस बार आसमान पर पतंगों के रंग बिखरे नहीं दिखेंगे। जी हाँ, इस साल कोरोना और लॉकडाउन के कारण मकर संक्रांति का ये पर्व बहुत फीका रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों को है। लोग अपने घरों से काम के कारण ही निकाल रहे हैं, जिस कारण मार्केट सूने पड़े हुए हैं। इस वजह से पतंग का कारोबार करने वालों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस साल पतंग बनाने वालों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पतंगों के माल और मांग दोनों में ही 40-50% तक की कमी आई है। पतंग की बात आए वो भी बिना मांझे के, ये संभव नहीं। बरेली का मांझा विश्व चर्चित है। पतंग किसी की भी उड़े, बरेली का मांझा हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रहा। लेकिन धीरे धीरे बरेली के मांझे की चमक फीकी पड़ रही है। मांझे से जुड़े कारोबार बंद हो रहे हैं। आज के समय में मांझे का कारोबार 10% पर आकर अटक गया है। आवश्यकता है पारंपरिक व्यवसाय को जिंदा रखने की। ऐसे में आवश्यकता है कि हम सब भारत में निर्मित मांझे का इस्तेमाल करें, अपने आसपास के लोगों से पतंग खरीदें, जिससे उनकी व्यवसाय में आए संकट को कुछ हद तक कम किया जा सके। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।